हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी मसाला टीवी में। दोस्तों, बॉलीवुड के काले कारनामों के बारे में आपने अक्सर तो सुना ही होगा कि बड़े बड़े डायरेक्टर किस तरह से फिल्मों में लेने के लिए लोगों की इज्जत के साथ खेलते हैं। शरीफ दिखने वाले एक्टर पर्दे के पीछे अक्सर नशे में धुत रहते हैं और ना जाने क्या क्या गुल खिलाते हैं। लेकिन आज हम पूरे बॉलीवुड के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन और उनके परिवार की पोल खोलने वाले हैं। जी हाँ, आज हम अमिताभ बच्चन से जुड़ी कुछ ऐसी राजदार वाली बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप पक्का हैरत में पड़ जाएंगे। बस ऐसे ही आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। अमिताभ बच्चन की बेटी की सच्चाई। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती? क्या आपने उन्हें कभी भी अपने पति के साथ देखा है? बहुत ही ऐसी कम तस्वीरें हैं जिसमें श्वेता बच्चन और उनके पति निखिल नंदा साथ नजर आते हों, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते। जी हाँ, श्वेता अपने ससुराल से अलग ही रहती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इनका अपने पति से तलाक भी हो गया है, लेकिन श्वेता इस बात को सबके सामने नहीं लाना चाहती, इसलिए उन्होंने अपने ससुराल और पति दोनों से अपनी दूरियां बना ली। श्वेता ने मात्र 23 साल की उम्र में ही अपनी बेटी नव्या को जन्म दिया था और हाल ही में इनकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें ये पार्टी से निकल रही थी, जिसमें ये काफी नशे में दिख रही हैं। इन्होंने इतना ज्यादा नशा कर रखा था कि ये सही से चल भी नहीं पा रही थी। लगता है इसीलिए संसद में जया बच्चन ने ये कहा था कि बॉलीवुड में कोई गलत काम नहीं होता, कोई नशा नहीं करता। शायद उनको अपनी बेटी की करतूतों का पता नहीं होगा और क्या पता इसी खुले मिजाज के चलते इनका तलाक हुआ हो, जिसे पूरी दुनिया को छुपाया जा रहा हो। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच क्या रिश्ता है? दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बहुत से लोगों का मानना है कि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे। इसी वजह से अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐश्वर्या के कई सारे ऐसे राज पता थे जिनको ऐश्वर्या ने पूरी दुनिया से छुपा रखा था। कई लोगों का मानना तो ये भी है कि ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन के काफी करीब थी। हालांकि इस बात में कितना दम है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन के साथ खुलकर रहती हैं, उतना तो शायद अमिताभ बच्चन के बच्चे भी नहीं रहते हैं। कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना वाला गाना तो याद ही होगा। जी हाँ, ये गाना जब गाया गया था तो बहुत हिट हुआ था। इस गाने में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने साथ साथ ठुमके लगाए थे। हालांकि उस वक्त किसी को ये पता नहीं था कि ऐश्वर्या बच्चन परिवार की बहू बनने वाली हैं। यहां तक कि अमिताभ बच्चन भी ये बात नहीं जानते थे, वरना वो ऐश्वर्या राय के साथ ऐसे ठुमके क्यों लगाते? जया बच्चन को क्यों नहीं पसंद है ऐश्वर्या राय? दोस्तों, ये बात सामने आई है कि अमिताभ बच्चन के घर में काफी खटपट रहती है। उनके घर में भी सास बहू की तू तू मैं मैं होती है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सास बहू एक दूसरे को पसंद नहीं करती। जया बच्चन को तो ऐश्वर्या पसंद ही नहीं थी। वो ये जानती थी कि सलमान खान और ऐश्वर्या के बीच कितनी नजदीकियां थीं, और ये भी जानती थी कि ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से ज्यादा पॉपुलर, टैलेंटेड और खूबसूरत भी हैं। शुरुआत में तो जया बच्चन को लग रहा था कि ऐश्वर्या राय ने बच्चन खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए अभिषेक से शादी की है, क्योंकि उनका कैरियर खत्म हो रहा था। सलमान खान के साथ रिश्ते की वजह से उनका कोई भी हाथ नहीं थामना चाहता था, क्योंकि हर कोई सलमान से डरता था। पर अब धीरे धीरे ये खटास सास बहू की खत्म हो रही है। श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच की लड़ाई। दोस्तों, ये बात तो शायद ही किसी से छुपी हो कि श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती। जी हाँ, जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। अभिषेक बच्चन की पहली गर्लफ्रेंड करिश्मा कपूर, जिसे श्वेता बच्चन बहुत पसंद करती थी और उन्हें अपनी भाभी बनाना चाहती थी, उनका मानना था कि करिश्मा अभिषेक के लिए बेस्ट थी, लेकिन ऐश्वर्या बीच में आ गईं। श्वेता को तो ये भी लगता है कि ऐश्वर्या अभिषेक को परेशान करती हैं। ऐश्वर्या अभिषेक से नहीं बल्कि उनके पैसों से प्यार करती हैं। तो दोस्तों, ये था बच्चन खानदान का काला चिट्ठा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।
साथ में जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।